हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी FIR कर दिया, कोचिंग वोचिंग में पढ़ाते रहते ले तो उल्टा सीधा काम कर देता है सर, फर्जी FIR लिख दिया, FIR हो गया हमारे नाम पे, पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस कह रही है खान साहब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हम कह मत करिए महाराज हम लेके चलाते हैं एंट्री से बैठरी, तो कहा ठीक है जाइए लेते ही। तो देखिए पुलिस को भी पता है कि कौन क्राइम किया है कौन नहीं किया, खुद पुलिस बोल रहे थे कि आप लेते आइए यहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, देखिए हमारे ही फोटो है, शायद यही कपड़ा भी पहने क्या, नहीं दूसरा है मिलता जुलता है। तो वहाँ पुलिस के वहाँ गए कोर्ट के पास, तो जज पता है, देखिए कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, सब समझता है। तो हमको एंट्री सेपरेटरी बेल दे दिए, तो हम एंट्री सेपरेटरी बेल लेके आ जाएंगे ना, अब पुलिस के सामने घूमते रहेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती हमको, अब पुलिस केवल सबूत इकट्ठा करेगी या जज को दे देगी, वहाँ पर एंट्री सेपरेटरी बेल आपके पास रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि किसी भी, ये क्या कहता है, किसी भी अपराधी को केवल उस पर FIR हो जाने से या उस पर मुकदमा चला देने से वह व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता तब तक कि जब तक कोर्ट ना कह दे कि वह दोषी है। ये बात सही भी है, यहाँ कोई किसी पे FIR लिखवा देता है, बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, देखता है किसी लड़का का नौकरी हो गया ना तो पड़ोसी वाला उसे झगड़ा करके FIR लिखवा देता है कि हमारी बेटी को छेड़ रहा था, ले उसका करियर खराब करेगा सर। तो ये कहता है कि केवल FIR हो जाने से या मुकदमा चल जाने से आप दोषी नहीं हो जाते। हमारा पे कई बार FIR हुआ है, पटना में तो एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो FIR कर दिया था, तो कोर्ट में जाके CCTV कैमरा दिखाना पड़ा कि देखिए सर हम मतलब हम तो पढ़ा रहे थे वहाँ पर। तो क्या आप हमें अपराधी कह सकते हैं? नहीं, हम भले हमारे ऊपर FIR हुआ है, कई बार पुलिस ले गई है, लेकिन आज तक कोर्ट ने नहीं कहा है कि भाई ये दोषी है। कई जगह आपको फंसाने के लिए कर दिया जाता है, समझा गया? स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए हम लोग भी बहुत जगह गए, हम उठा के पुलिस जेल में डाल देती है, तो क्या हम लोग अपराधी हो गए? नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि वह उसे कोर्ट सिद्ध न कर दे। इसीलिए आप अगर देखिएगा तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला क्या चलता है, वो कन्हैया कुमार का चलता है, क्योंकि उसके ऊपर किस चीज़ का आरोप है भाई कि ये इसने नारे लगाए थे कि टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह का, समझ में आया कि नहीं आएगा? अब बात समझिए, मीडिया ने बताया, मीडिया बोल रही कि ये इसने बोला है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि उसे जब तक हम सजा नहीं देंगे तब तक आप उसे दोषी नहीं कर सकते, इसीलिए पुलिस उसे प्रोटेक्शन भी देती है और वो चुनाव में भी आराम से उठ जाता है, और CPI पार्टी से, CPM पार्टी, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ से। लेकिन जिस दिन कोर्ट सजा दे देगी सेडेशन के मामले में, उस दिन सारी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी और उस समय चुनाव में भी नहीं लड़ सकते। अब कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट समझे। देखिए संविधान क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं, हमको ये मकसद नहीं है कि हम किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं है, हम ये कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल बस इसलिए लिए ताकि किसी चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर अगर वो देशद्रोही तो उसके पीछे 4 पुलिस वाले एक बॉडीगार्ड क्यों लगते हैं और वो खुलेआम क्यों घूमता है? क्योंकि हम आपको बताएं कि कोई कानून अंधा होता है, कानून वही बोलता है जो लिखा हुआ है, तो भाई कन्विक्शन है कि जब तक दोषी नहीं। और अगर ऐसा होता कि FIR हो जाने से ही आपको जेल हो जाए तो फिर तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, तो बहुत सोच समझ के इसको रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में।